नमस्कार। कोविड-19 ने मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा व्यवस्था को इस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। हालांकि सरकार ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए इस नुकसान की भरपाई कर रही है। कुछ बिंदुओं पर इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर श्वेता प्रसाद जी को। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। और श्रीमती पूजा दीक्षित जी को स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा का किस परिदृश्य में आप देख रही हैं, क्या भूमिका है कोरोना काल में? कोविड-19 के पीरियड में अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, वैसे तो अपने आप में शिक्षा व्यवस्था की ही बात करें अगर हम, तो बुरी तरह से प्रभावित किया है कोविड-19 ने। इनफैक्ट हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं इसी कारण हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल क्राइसिस बोलते हैं। कोई एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, एजुकेशन क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्राइसिस है जिसने कि हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। अब उसमें से एक पक्ष है हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा। बात उच्च शिक्षा की अगर करें तो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जैसे बाकी शिक्षा के साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च शिक्षा में हो रहा है, सडनली बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि टाइम पे एग्ज़ाम सोचा नहीं जा सकता, टाइम पे एडमिशन पॉसिबल नहीं है, और सेशंस कहाँ तक लेट होंगे, पूरी सरकार से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रीकैलिब्रेट करने की कोशिश में लगी हुई है चीज़ों को, कि हाँ चीज़ों को नॉर्मल किया जा सके। लेकिन इस परिस्थिति में चीज़ों का नॉर्मल हो पाना इतना आसान नहीं है, और हायर एजुकेशन में भी यही दिखाई दे रहा है। वहाँ भी सेशंस लेट हो रहे हैं, वहाँ भी एग्ज़ाम्स अभी तक कंडक्ट नहीं हुए हैं, एंट्रेंसेस पोस्टपोन किए जा रहे हैं, इनटेक जो है वो पता नहीं कब तक होगा नए स्टूडेंट्स का। तो अनसर्टेनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, और पोस्ट मॉडर्न थिंकर हुए हैं उन्होंने इसके बारे में, रिस्क सोसाइटी एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम कोरोना काल में दिखाई दे रहा है, 80s का ये कॉन्सेप्ट है, और कहीं ना कहीं इस पीरियड को वो दर्शाता है। और ये जो रिस्क सोसाइटी होता है वहाँ पर अनसर्टेनिटीज अनिश्चितताओं का भरमार होता है, और कोरोना ने उस रियलिटी को, उस असलियत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और इस सबसे हम सबको जूझने की ज़रूरत है, वे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है हमें। और हम सब अपने अपने स्तर पर वही करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, स्कूल एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, इकोनॉमी हो, हर सेक्टर में हम अपने लेवल पर आगे बढ़ने की, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ों को नॉर्मल किया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ा है, और उच्च शिक्षा में भी अगर हम बात करें काफ़ी व्यापक असर उसका दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन जाने की तैयारी शुरू हुई, क्योंकि सरकारों को ये चिंता थी, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको ये चिंता थी कि सेशन किसी तरह से कंटिन्यू करे। लेकिन और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी तैयारी, बात हम लोग अगर ऑनलाइन की कर रहे हैं, यहाँ 2 दशक से ये मौजूद है इंडिया में, लेकिन अगर हम लोग 20 सालों में ऑनलाइन कम्प्लीटली नहीं गए तो कहीं तो कोई प्रॉब्लम थी, चाहे उसको हम हाफ हार्टेड एफर्ट को ब्लेम करें या हमारा माइंडसेट उसके लिए तैयार नहीं है उसको ब्लेम करें। लेकिन ऑनलाइन 2 दशक से होने के बावजूद बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था। क्लासरूम लेक्चर्स ही होते हैं, और पूरा हायर एजुकेशन सेक्टर हम देख रहे हैं ऑनलाइन जाने के चक्कर में। एक न्यूज़ याद होगा आप लोगों को, जहां पर बिहार के एक गांव में एक टीचर पेड़ पर चढ़कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसको ऑनलाइन क्लासेस एंगेज करनी है। तो ऐसी स्थिति, हम अपने स्टूडेंट की बात करें, मेरा स्पेशलाइजेशन जेंडर स्टडीज़ है, और उस विषय में 12 स्टूडेंट्स हैं। जब फाइनल में कई इलेक्टिव्स होते हैं तो जेंडर स्टडीज़ में 12 स्टूडेंट हैं। जब हमने उनको कॉल करके ये पूछा कि ये काम हुआ या नहीं, उनमें से 8 लोगों का ये कहना था कि मैडम हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत से स्टूडेंट्स के साथ आ रही है। ये तो वो स्टूडेंट हैं जो कि बीए और एमए के हैं, बात रिसर्च स्कॉलर्स की कर लें,
ऑनलाइन जाने की तैयारी हो रही है, ऑनलाइन गए भी हम, लेकिन रिसर्च को आप ऑनलाइन कैसे ले जाएंगे? क्योंकि रिसर्च हैंड होल्डिंग होता है, आप रिसर्च स्कॉलर्स को ट्रेन करते हैं फ्यूचर टीचर बनने के लिए, और वहाँ पर कंटिन्यूस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और ऑनलाइन उसको गाइड कर पाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ऑनलाइन फोन पर बात करना बहुत मुश्किल है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो स्कूली उच्च शिक्षा की बात की श्वेता मैम ने, स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो टीचर्स की कितनी भूमिका है और स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे तालमेल बैठाया जा रहा है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा देश जो था, हम गुरुकुल की परंपरा से आगे बढ़े थे और उस समय हम रियलिटी बेस्ड टीचिंग पे बिलीव करते थे, लेकिन आज भी जब हमने बच्चों के साथ जुड़ा और उनसे पुरानी चीज़ों में बातें करी, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना अब आज के दौर में सिखा दिया गया है। आज हमारे पास जो बच्चे हैं प्रीति जी, वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, PS4 जैसी चीज़ें, कंप्यूटर मोबाइल, बच्चा पैदा होता है उसको ऑपरेट करना आ जाता है, कहाँ से स्विच ऑन स्विच ऑफ उनको पता चल जाता है। तो ये कोई चीज़ आज के जनरेशन में बहुत, इसको हम सडन रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा आज जो आज सामने आया है, ऑब्वियसली ऑनलाइन एक नई चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन चीज़ें कोई पुरानी, बच्चों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, स्कूल्स में भी ये चीज़ें हम लोग ने धीरे धीरे शुरू करी हुई थी। स्मार्ट क्लासेस, एक वर्ड आपने सुना होगा, ये स्मार्ट क्लासेस में एक पीरियड हर अच्छे स्कूल का एक तरीके का एक एट पीरियड्स में एक पीरियड ऐसा होता है जिसको हम स्मार्ट क्लास बोलते हैं। तो अब वो स्मार्ट क्लास को अब हमने सीधा सीधा मान लिया कि ये हमारा पूरा 8 क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हो गए। हर स्कूल मेहनत कर रहा है, हर टीचर उसके साथ मेहनत कर रही है। कुछ टीचर्स जो बहुत पुराने थे, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाया जाए, स्कूल ने, मैनेजमेंट ने उनके साथ उनको बुला के स्पेशल ट्रेनिंग दी, और मैं उन सारे टीचर्स को दिल से उनको शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है किसी भी नई चीज़ को अडाप्ट करना, पर क्योंकि टीचर्स हैं और इनोवेशन लाना, सीखना, नई चीज़ों को सीखना उनको आज से नहीं, हमेशा से उन्होंने सीखा हुआ है इस चीज़ों को, तो ऑनलाइन सीखा उन्होंने, सीख के मेहनत करी, नई चीज़ों को अडाप्ट करा और बच्चों तक हमारे पहुंचाया। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, ये ज़रूर है कि वर्चुअल होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है, पर रियलिटी में होते तो बहुत अच्छा होता। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है इसमें? जो बच्चे पढ़ने में हैं, जो रियलिटी में फ्रंट बेंचर्स रहे हैं स्कूल के, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप उन्हें घर में पढ़ाइए, उन्हें क्लास में पढ़ाइए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे सच में नहीं पढ़ना चाहते थे वो क्लास में भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो वर्चुअल भी नहीं जाके पढ़ना चाह रहे हैं। और थोड़ा मुझे पेरेंट्स का इसमें सहयोग कम दिख रहा है, क्योंकि देखिए, आप स्कूल के लिए बच्चे तैयार करके स्कूल के ऊपर आप भेज देते हैं कि भाई आप 5 घंटे बच्चे आपके पास है, आप पढ़ाइए। टीचर्स मेहनत करती हैं, हर तरीके से क्लासेस को अट्रैक्टिव बनाती हैं कि बच्चों का मन कहीं ना भटके और क्लासेस में ध्यान देके बच्चे पढ़े, पर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं घर में, आपका बच्चा क्लास करने बैठ गया, उसी समय मम्मी को दूध भी पिलाना है, कुछ बातें भी करनी है, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट आ जाती हैं, बच्चों को उठा भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है पेरेंट्स अगर इस बात को समझे कि अगर 3 घंटा आप एक मूवी देखाते हैं अपने बच्चे को, मूवी 3 घंटे की मूवी आप देख लेते हैं, आप 2.5 से 3 घंटा क्लास नहीं कर पा रहे, इसका मुझे बहुत अफसोस होता है जब मुझसे कोई कहता है 3 घंटा बच्चा क्लास कर रहा है, स्कूल हम भेजते हैं तो 5-6 घंटे और हम उस दौरान कुछ बच्चे की खोज खबर भी नहीं लेते हैं। जी, और इसमें आपके पास है बच्चा, पेरेंट्स थोड़े अगर अवेयर हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस में इतनी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आएगी। जी, श्वेता जी, ऑनलाइन एजुकेशन की सफलता को आप किस तरह से देख रही हैं शिक्षाविद होने के नाते? मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी। ऑनलाइन एजुकेशन की सफलता की बात करें, एजुकेशन 4.0 की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्री 4.0, एजुकेशन 4.0 यानी चौथा फेज एजुकेशन का, यानी पहला जहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था थी, सेकंड ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग तीसरा, और ये चौथा फेज जहाँ पर एजुकेशन 4.0, यानी हम पूरे एजुकेशन को अगर हम देखें तो एक
नए लेवल पर ले जाने की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। हम बहुत इत्तफाक नहीं रखते क्योंकि एजुकेशन 4.0 जो कि कंप्लीट डिजिटलाइजेशन की कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात करता है, जाने की बात नहीं करता, डिजिटलाइजेशन को बहुत बड़े स्केल पर प्रमोट करने की बात करता है। मेरा रिजर्वेशन यहाँ पर इस बात से होता है कि जब हम कम्प्लीटली ऑनलाइन जा रहे होते हैं और एजुकेशन 4.0 के तहत, तो क्या हम इतने तैयार हैं कि हम एजुकेशन 4.0 को लॉन्च कर दें और उसको एक्सेप्ट कर लें। इंडस्ट्री 4.0 की हमने बात की थी अभी, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ये सब चीज़ें जो हैं मिलाकर, कहीं ना कहीं ये न्यू लिबरल पॉलिसीज़ जो हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है, ये उसकी ओर हम शिक्षा व्यवस्था को ले जा रहे हैं। अब बात कोरोना पीरियड में ऑनलाइन जाने की, ये मजबूरी थी और जाना ज़रूरी था और अच्छी बात है कि हम सब लोग ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके लिए जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, सबसे पहला क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चरली प्रिपेयर्ड हैं, मतलब ऑनलाइन जाने के लिए जिस तरह के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हर घर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हर जगह पर या तो फ़ोन होना चाहिए या लैपटॉप्स होने चाहिए, टेलीविज़न चैनल से भी गवर्नमेंट्स जो है प्रमोट करने की बात कर रही है। अभी क्लास 1 to 12 के लिए टेलीविजन्स और 100 इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि आप ऑनलाइन जाइए कम्प्लीटली, तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऑनलाइन के लिए पहली शर्त ये है कि हम ऑनलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करें कि हम ऑनलाइन जा सकें। दूसरी जो प्रॉब्लम हमें नज़र आती है वो ठीक है, सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है और 2024 तक ये माना जा रहा है कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में, गांव में भी सबके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा और ब्रॉडबैंड वगैरह के कनेक्शंस वहां पे होंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरली हम प्रिपेयर्ड होंगे, डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से, चीज़ें मूव करेंगी आगे। तो शायद उस समय तक हमें चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, मतलब हम बहुत एफिशिएंटली नहीं जा सकते। अगर हम बहुत एफिशिएंटली चले भी जाते हैं, मान लेते हैं हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, लेकिन क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस करना मेरे ख्याल से असंभव ही नहीं, घातक भी है। क्योंकि क्लासरूम टीचिंग आप क्या कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि जब हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन बेसिक बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटाइजेशन को प्रमोट करता है, मतलब हम लोकतांत्रिककरण कर रहे हैं शिक्षा का, यानी वो इंसान जो शिक्षा नहीं ले सकता ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटी में आकर, यानी पेमेंट नहीं कर सकता, गांव में बैठा है वो भी एजुकेशन ले सकता है अगर हम ऑनलाइन जा सकते हैं तो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि बेशक हम ऑनलाइन जाएँ, इससे ये होगा कि इंडिया में, दुनिया में जो बेस्ट टीचर्स हैं, गांव में बैठा एक बच्चा उन्हें सुन सकेगा, लेकिन ये ऑनलाइन थ्रू क्लास होना चाहिए, यानी हमारे सामने स्टूडेंट्स होने चाहिए और वहीं से हम ऑनलाइन दुनिया भर के लिए होने चाहिए। तो ये दोनों एक बैलेंस बनाने की बात यहाँ पर दिखाई देगी। और रही बात प्रॉब्लम्स आने की, तो हाँ ठीक है, पहला प्रॉब्लम तो इंफ्रास्ट्रक्चरली ही है क्योंकि हम बहुत तेज़ी से ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हड़बड़ी में हैं कि चीज़ों को हम संभाल सकें, सेशन को संभाल सकें, और इसके लिए हर लेवल पर कोशिश भी हो रही है। लेकिन ऑनलाइन जो हमने कहा कि दोनों को साथ में ले जाना, उसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन को एक फ्रेरी हुए हैं, उन्होंने ये कहा है बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन को बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, जहाँ पर टीचर एज नोअर, जिसको ये माना जाता है कि सब कुछ पता है, और स्टूडेंट को जस्ट रिसीव करना होता है, जैसे बैंक में लोगों को सिर्फ रिसीव करना होता है, वैसे ही ऑनलाइन में एजुकेशन स्टूडेंट जो है सिर्फ रिसीविंग मोड पर होता है। अभी जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट हमें किसी भी समय इंटरप्ट कर सकता है कि मैडम ये बात समझ में नहीं आई मेरे, हम लोग रुकते हैं वहाँ पर, उसकी उस क्वेरी को लेते हैं, शांत करते हैं उसको और डिस्कशन भी होता है, आगे बढ़ते उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, यानी वन वे टीचिंग होगी। तो ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले मजबूत करना होगा। पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे 100% इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जो कुछ बच्चे छूट जा रहे हैं, कुछ आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, तो उन बच्चों के लिए स्कूल क्या कर रहा है?
देखिए, स्कूल को तो हमेशा से पता था कि ये बहुत ज़्यादा इसमें हर बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन देखिए क्लासेस ज़रूर इंटरनेट बेस्ड होती हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर नए तरीके से आई हैं, आपको स्मार्टफोन्स होना चाहिए, फिर एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। भाई हर घर में दो बच्चे नहीं होते हैं या हर घर में सिर्फ चार लोग नहीं होते हैं, जगह की भी कमी होती है, बच्चों को मुश्किल ज़रूर आ रही है। लेकिन हमने हर पेरेंट हर बच्चे को बताया है कि जिस दिन हम स्कूल वापस आपको बुलाएंगे तो सारी पढ़ाई वापस आपकी उसी एक बार तरीके रिवीजन से की जाएगी, 100% होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये आया है कि CBSE जैसे बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड है और काफ़ी स्कूल्स CBSE के थ्रू आते हैं, इन्होंने सबसे अच्छा किया कि 30% रैशनल आपका कर दिया है सिलेबस। इससे दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ है कि टीचर्स को मेहनत तो देखिए दोबारा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है इसके अंदर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस, जैसे मैम ने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस हम ऑल ओवर कनेक्ट कर सकते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हर बोर्ड की और हर यूनिवर्सिटी, हर क्लासेस, हर चीज़ों की अपनी एक पर्सनल पैटर्न होता है पढ़ाने का। इसीलिए देखिए डिफरेंस ऑफ बोर्ड्स होते हैं, यूपी बोर्ड अलग चलता है, ICSE की पढ़ाई अलग है, CBSE अलग है, इंटरनेशनल IB बोर्ड अलग होता है। तो अगर हम ऑनलाइन वन गो क्लास करेंगे तो हर बच्चा जो नर्सरी से लाभ नहीं उठा सकता, नहीं उठा पाएगा। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है अगर आप इसको कॉमन उसमें देखें। लेकिन 1-to-1 जो पढ़ाई हो रही है आजकल, जो हमने अपने स्कूल में सिस्टम को लिया है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम है। माइक्रोसॉफ्ट टीम एक ऐसा ऐप इन्होंने डेवलप किया है जो आपको आपको क्लासेस का फील देता है। अगर एक टीचर पढ़ा रही है तो वो सारे बच्चों को म्यूट करना होस्ट का काम होता है, और जनरली स्कूल्स में होस्ट उनके टीचर्स ही होते हैं। उसमें आप यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर क्लास। जो हम क्लासरूम में जो चीज़ें हम करते हैं हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हो रही है, वो ही पैटर्न हमने फॉलो, कोशिश पूरी हो रही है, कोशिश हो रही है। इससे कम से कम बच्चे एक दे आर इन दैट पर्टिकुलर फील कि एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको सुनना है। और प्लस जितना ऐप बेटर होते जा रहे हैं उसमें आप बच्चों को स्लाइड्स दिखा रहे हैं, इंटरैक्टिव बना रहे हैं, और हमेशा हर की कोशिश ये रहती है, और स्पेशली जो मैंने अपने टीचर्स को बोला हुआ है कि आप इतना इंटरैक्टिव बना दीजिए क्लास की, नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने के लिए बच्चा खुद से प्रोत्साहित हो कि मैं आऊँ बैठूँ, दे शुड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। और आपको मैं बताऊँ प्रीति जी, जब से टीचर्स ने इंटरैक्शन प्रोसेस बढ़ाया है, न्यू फ्रेश स्लाइड्स बना के जो बच्चों को दिखाया जा रहा है, जो अटेंडेंस हमारी ऑलमोस्ट 50 होती थी, आज हम बिल्कुल गर्व से बोल सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट 50 नहीं 60-65% बच्चे वापस क्लासेस में जुड़ गए हैं। और छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने टीचर्स, क्योंकि वो रिकग्नाइज करते हैं एक टीचर को, एक पेरेंट भी अगर आता है PTM में तो बोलता है कि मैम आप समझाइए, वो दूध नहीं पी रहा, मैम सब्जी नहीं खाता, ये नहीं खाता, तो एक टीचर का रोल उस छोटे बच्चे के लिए भूमिका है, बहुत इम्पोर्टेंट। एक बच्चे के जीवन को ऊपर बढ़ाने में टीचर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्कूल की चाहे बात करें, चाहे उच्च शिक्षा की हम बात करें। और जैसे COVID-19 का जो दौर चल रहा है मैम, उसमें अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे, ऑनलाइन एजुकेशन तो सरकार हमें दे रही है, हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी जागरूक और सजग बनाना होगा। श्वेता मैम और पूजा मैम, आप दोनों ने इतने अच्छे बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।